देखो, मैंने सुन के बड़ा अफसोस होया, क्योंकि मैं उसकी वीडियो सुन रही सी कि वो कह रही है कि मैं करता उन्होंने प्रार्थना करता है कि थोड़ा ये कर्म नहीं है कि तुसी उत्थे लोगों का जो सहूलता दे रहे हो ये थोड़ी ड्यूटी नहीं बनती। मैंने समझ नहीं आती कि गुरु घर की ड्यूटी उन्हें सानू दसनी, साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के की अधिकार ने, की फर्ज है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चंगी तरह जानती है कि उन्होंने किहड़े कार्ज करने हैं। जे असी भुखे के मुँह च रोटी नहीं पा सकते, जे किसी लोड़वंद की लोड़ नहीं पूरी कर सकते, जे असी अज वो किसान जिन्हों गुरु नानक साहब ने बड़िया वडियाइया दित्तियां ते आप किसानी की है, आप किरत की है, सानू किरती बनाया, ते जे अज वो किसान जिहदे वास्ते पातशाह ने कहा सी किसानी किसान करे, लोचा जीओ लाए, हल जोतै उद्धम करे, मेरा पुत धी खाए, ये बाणी दे विच पातशाह ने आप दर्ज किया। सो उन्हें तो मन में भी किसानी ने जोड़िया, मन हाली किसानी करनी, सरम पाणी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। इन्हों समझ नहीं कि जिस पातशाह ने सानू किरत करनी सिखाई है उस पातशाह दे जिहड़ी सृष्टि है उस सृष्टि दे विच सेवा करनी भी सिखाई है। धर्म का कर्म ही है लोड़वंदा की सेवा करनी, कितने भीड़ बने वो काम आना, एजुकेशन जिथे कोई अज्ञानता उत्थे असी ज्ञान प्रकाश करना, जिथे कितने गुरु के दसवंध विचों किसी का भला हो सकता है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, किसी की सेवा कर सकते हैं, तो कि अज जी उस किसानी दे किते नाल संबंधित लोगों ने भावें किसी फिरके का होया, भावें किसी भी धर्म का होया, वो सारे किसान उत्थे डेरे ला के बैठे है हक ते सच की लड़ाई वास्ते। गुरु नानक साहब जी ने भी जो हक का नारा मारिया सी ना जी, तो बाबर बाण वर्गिया नूं उन्होंने जाबर कहता सीगा, उन्हें राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते, इहो शब्द बोल दिते सी उन्होंने हाकमां नूं जिहड़े धक्का करते सीगे। सो मैं समझदी हाँ जी बाबरां नूं जाबर कह सकते सी गुरु नानक साहब जी, हक ते सच की खातर, किसी की बेइंसाफी नूं हल करन दी खातर, किसी ने होर तशद्दुद दी खातर, ते फिर अज जे इस किसान दे उत्ते इन्ना तशद्दुद हो रहा है, ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है कि उत्थे बैठे अपने वीरां दी, अपने भैणां दी, अपने बजुर्गां दी लंगर दी सेवा करे, उत्थे उन्हां नूं बिस्तरे उपलब्ध करे, उत्थे उन्हां नूं शैल्टर देवे, उत्थे उन्हें दवाइयां मुहैया कराए, उत्थे उन्हां दी होर तकलीफां जिहड़ियां भावें टॉयलेट्स दी गल है वह मुहैया कराए। मैनूं समझ नहीं आती कि साडे भरा सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी नूं किहड़ी गल तों तकलीफ होई है, एक सिख दे मूंह नहीं फबदे शब्द कि वह ये कहे कि गुरु घर चों सेवावां नहीं करनियां चाहीदियां। सो मैं समझदी हाँ कि उन्हां नूं ये शब्द जिहड़े नहीं कहने चाहिए, ये साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो फर्ज है असं वो पूरे कर रहे हैं, और असं एक्ट भी जानते हैं, असं निजम भी जानते हैं, असं उपनिजम भी जानते हैं, असं अपने फर्जा की पहचान करना भी जानते हैं, तो गुरु नानक साहब के उपदेश में असं घर घर वंडना भी जानते हैं। देखो, मैंने सुन के बड़ा अफसोस होया, क्योंकि मैं उसकी वीडियो सुन रही सी कि वो कह रही है कि मैं करता उन्होंने प्रार्थना करता है कि थोड़ा ये कर्म नहीं है कि तुसी उत्थे लोगों का जो सहूलता दे रहे हो ये तुहाडी ड्यूटी नहीं बनती। मैनूं समझ नहीं आती कि गुरु घर की ड्यूटी उन्हें सानू दसनी, साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के की अधिकार ने, की फर्ज है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चंगी तरह जानती है कि उन्होंने किहड़े कार्ज करने हैं। जे असी भुखे के मुँह च रोटी नहीं पा सकते, जे किसी लोड़वंद की लोड़ नहीं पूरी कर सकते, जे असी अज वो किसान जिन्हों गुरु नानक साहब ने बड़िया वडियाइया दित्तियां ते आप किसानी की है, आप किरत की है, सानू किरती बनाया, ते जे अज वो किसान जिहदे वास्ते पातशाह ने कहा सी किसानी किसान करे, लोचा जीओ लाए, हल जोतै उद्धम करे, मेरा पुत धी खाए, ये बाणी दे विच पातशाह ने आप दर्ज किया। सो उन्हें तो मन में भी किसानी ने जोड़िया, मन हाली किसानी करनी, सरम पाणी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। इन्हों समझ नहीं कि जिस पातशाह ने सानू किरत करनी सिखाई है उस पातशाह दे जिहड़ी सृष्टि है उस सृष्टि दे विच सेवा करनी भी सिखाई है। धर्म का कर्म ही है लोड़वंदा की सेवा करनी, कितने भीड़ बने वो काम आना, एजुकेशन जिथे कोई अज्ञानता उत्थे असी ज्ञान प्रकाश करना, जिथे कितने गुरु के दसवंध विचों किसी का भला हो सकता है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, किसी की सेवा कर सकते हैं,
ਕੀ ਅੱਜ ਜੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਟੋਇਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।